सोशल मीडिया में कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर जारी सूची पूरी तरह फर्जी व झूठी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अभी तक प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की कोई भी सूची जारी नहीं की है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया में जारी प्रत्याशियों की सूची महज अटकलबाजी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐसी कोई भी सूची अभी जारी नहीं की है और ना ही किसी प्रत्याशी के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा की है, इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों को ऐसी मिथ्या खबरों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि वह अफवाहों पर ध्यान ना दें। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अलका लांबा बोल रही हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभी कुछ मीडिया के साथियों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक लिस्ट जो है वो शेयर की और पूछा है वो फेक है या सही है। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, वो लिस्ट पूरी तरह से फेक है। कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की कोई भी सूची जारी नहीं की है। किसी भी तरह की जानकारी आपको इस ग्रुप के माध्यम से या आधिकारिक रूप से जो हमारे लीडरशिप है मेरे माध्यम से आप तक उम्मीद है जल्द पहुंचेगी। धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित जय हिंद। जन समर्थन सभा, इतिहास में पहली बार नए तरीके से नया विकास। जसवा बरागपुर क्षेत्र में अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पहुंचेगा घर द्वार। जसवा बरागपुर में कैप्टन संजय पराशर के साथ जुड़कर क्षेत्र के विकास में सारथी बनिए। संपर्क 9993046730। दिन शनिवार 1 अक्टूबर, नक्की ग्राउंड परागपुर, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।